जी पॉइंट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज का जो हमारा क्लास है वो आधुनिक भारत का क्लास है, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, क्योंकि इसके पहले मैंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल का नवाब, साथ ही प्लासी का युद्ध और बक्सर के युद्ध को मैंने सिंपली तरीके से और पूरा विस्तार पूर्वक पढ़ाया था। बंगाल के नवाबों का क्रम को मैं बताया था, साथ ही आपको प्लासी का युद्ध और बक्सर के युद्धों को हमने विस्तार रूप से बताया था और काफ़ी आप लोगों ने उस क्लास को पसंद किया। चलिए आज ये भी स्टार्ट करते हैं और ये भी उसी तरह क्लास होगा, सिंपली रूप में रहेगा और एकदम मस्ती से पढ़िए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। इसके पीछे एक कहानी है, पहले उस कहानी को देख लेते हैं कि आखिर क्या कारण थे कि भारत पे ब्रिटिश शासन का प्रभाव स्थापित हुआ भारतीय अर्थव्यवस्था पे। इसके पहले हम ब्रिटिश पूर्व भारत के अर्थव्यवस्था को देख लेते हैं। हम देखते हैं ब्रिटिश शासन के पूर्व भारत की स्थिति, भारत की स्थिति है ना, यानी जब भारत में ब्रिटिश उपनिवेश की स्थापना नहीं हुई थी तब उस समय भारत की स्थिति क्या थी। चलिए एक इसको एक कहानी के रूप में हम बता रहे हैं, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, समझने का प्रयास कीजिए। एक समय था जब भारत को चिड़ियों का देश कहा जाता था और भारत में प्राचीन काल से लेकर और ब्रिटिश उपनिवेश की स्थापना यानी भारत में यूरोपियों के आगमन से पूर्व तक भारत एक कृषि प्रधान तथा आत्मनिर्भर देश था, है ना। भारतीय अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता का मुख्य कारण यहाँ का कृषि प्रधान देश होना था, क्योंकि भारतीय जो व्यापारी थे उस समय का जो व्यापारिक सांचा ढांचा था वह विदेशों में जाकर व्यापार नहीं करते थे, वह अपनी आत्मनिर्भरता के लिए अपने अधीन अपने यहाँ ही व्यापार करते थे और अपना विकास करते थे। और वह विकास इतना था, एक ऐसा आत्मनिर्भर देश था हमारा भारत, एक ऐसा आत्मनिर्भर देश था जिसे हम सोने का चिड़िया के रूप में उसे जानते हैं। लेकिन ये प्रमाण है कि भारतीय व्यापारी कभी विदेश में जाकर व्यापार नहीं किए, बल्कि विदेशी व्यापारी भारत में आकर व्यापार किए जिसे भारत का भी लाभ हुआ था, है ना। लेकिन आगे चलकर जब हम बात करते हैं इनके स्वरूपों में, तो ब्रिटिश शासन या यूरोपियों के आगमन के पूर्व बहुत ऐसे विदेशी आक्रमणकारी भारत में आए थे, लेकिन उन आक्रमणकारियों का भारतीय अर्थव्यवस्था जो भारत में यानी भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से पहले जो अनेक विदेशी आक्रमणकारी आए थे उन्होंने कभी भारतीय अर्थव्यवस्था के संरचनाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया, है ना। फिर समझिएगा, यूरोपीय कंपनियों के आगमन के पूर्व या ब्रिटिश शासन के भारत में स्थापना से पूर्व अनेक आक्रमणकारी भारत में आए थे, लेकिन ये आक्रमणकारी कभी भी भारतीय अर्थव्यवस्था को संरचनाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया और न ही भारत में निरंतर धन के निष्कासन सिद्धांत को जारी रखा, है ना। अगर भारत में आने वाले जो यूरोपीय कंपनियों थे, विदेशी आक्रमणकारी थे, उनमें सबसे महत्वपूर्ण था वह महमूद गजनी था, जो भारत में धन को लूटने के हिसाब से आया था, लेकिन वो भारतीय अर्थव्यवस्था को कुछ समयों के लिए प्रभावित किया, है ना, और उसका निरंतर यहाँ से धन का निष्कासन नहीं रहा, कुछ समयों के लिए प्रभावित किया। लेकिन भारत में जब यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है तब भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति बिगड़नी शुरू हो जाती है, और ये स्थिति बिगड़ती कब है, जब मुगल काल में यानी औरंगजेब के मृत्यु होती है, और औरंगजेब के मृत्यु के बाद जब उसके अयोग्य उत्तराधिकारी आते हैं तो यही उत्तराधिकारियों द्वारा इन यूरोपीय कंपनियों को कुछ रियायती व्यापार देना शुरू कर देते हैं, और उसी रियायती व्यापार यानी यहाँ व्यापार करने के लिए उन्हें कुछ रियायत देना प्रारंभ करते हैं, और उन्हीं रियायतों के आधार पर ये ब्रिटिश कंपनियाँ भारत में आकर के अपना स्थिति को मजबूत करती है। हालांकि 1757 से लेकर 1947 तक
जो भारत में ब्रिटिश शासन का दोहन होता है वह एक तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था को कमर को तोड़कर रख देते हैं, है ना। 1757 के बाद 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद भारत में ब्रिटिश शासन की जो स्थापना होती है उस स्थापना के फलस्वरूप जो भारतीय अर्थव्यवस्था होता है वह भारतीय अर्थव्यवस्था उपनिवेशी अर्थव्यवस्था के रूप में परिवर्तित हो जाता है, है ना। 1757 के बाद जब प्लासी युद्ध होता है तो उस युद्ध के बाद जो समृद्ध बंगाल होता है उस समृद्ध बंगाल पे ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना अस्थायित्व एकाधिकार स्थापित करती है और उसी अस्थायित्व एकाधिकार के चलते भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनियों की एक स्थापना होता है और इसी स्थापना के फलस्वरूप जो भारतीय अर्थव्यवस्था होता है वह उपनिवेशी अर्थव्यवस्था में कन्वर्ट हो जाता है, है ना। और भारतीय अर्थव्यवस्था की जो सभी नीतियां और कार्यक्रम होते हैं वह टोटल उपनिवेशी अर्थव्यवस्था के अनुरूप बनने लगते हैं, है ना। जब ब्रिटिश यहाँ पे शासन जब स्थापित होता है तो अपने अनुरूप भारतीय अर्थव्यवस्थाओं के सभी नीतियों को कार्यक्रम को चलाना शुरू कर देते हैं और यहीं से स्टार्ट हो जाता है भारत के दयनीय स्थिति का उभरना। हालांकि यहाँ पर हम भारतीय जो ब्रिटिश शासन का जो अर्थव्यवस्था है यानी ब्रिटिश उपनिवेश की जो अर्थव्यवस्था है या किस तरह कौन कौन से प्रक्रियाओं अपनाकर भारत का दोहन करते हैं उसको हम एक बार देख लेते हैं। यानी भारतीय ब्रिटिश उपनिवेशवाद का जो चरण है ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चरणों को हम देख लेते हैं, है ना। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के जो चरण है वह तीन चरणों में होते हैं और इन्हीं तीनों चरणों के माध्यम से वह भारत के आर्थिक दोहन को प्रारंभ करते हैं, है ना। तो देखते हैं कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद के तीन चरण कौन कौन से हैं, है ना। ब्रिटिश उपनिवेश के तीन चरण, है ना। ब्रिटिश उपनिवेश के तीन चरण समझिएगा, ब्रिटिश उपनिवेश के तीन चरणों में जो प्रथम चरण था, याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स ने भी भारत में ब्रिटिश उपनिवेश के तीन चरण भारतीय अर्थव्यवस्था के दोहन में ब्रिटिश शासन के ब्रिटिश उपनिवेश के तीन चरणों में डिवाइड किया है, है ना। तो इसका प्रथम जो चरण था वह आपको 1757 से लेकर के 1813 तक था, 1813 तक था। याद रखिएगा इस चरण को यानी प्रथम चरण को ब्रिटिश उपनिवेशवाद के उपनिवेश के तीन चरणों में प्रथम चरण जो 1757 से लेकर के 1813 तक था इस चरण को लूट का काल कहा जाता है, लूट का काल कहा जाता है, है ना। प्रथम चरण को लूट का काल कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है अब ये समझ लीजिए। मैं पहले ही भी बताया कि औरंगजेब के मृत्यु के समय भारत में धीरे धीरे यूरोपीय कंपनियां अपना पाँव पसारना शुरू की, लेकिन इस सभी कंपनियों में जो सबसे मजबूत बनी वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब समृद्ध बंगाल पर अधिकार किया कब, 1757 में प्लासी युद्ध के बाद समृद्ध बंगाल पर कब्जा किया, है ना। समृद्ध बंगाल पर कब्जा किया तथा 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की, किससे, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से 26 लाख रुपए किराए के बदले, है ना। और ये प्राप्त करने के बाद रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पर यानी बंगाल में द्वैध शासन को प्रारंभ करता है, है ना। 1764 के बक्सर युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि होती है और संधि के बाद भारत के नवाब मुगल बादशाह से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त करता है और रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पर द्वैध शासन की स्थापना करता है। जब बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना होती है तो भारत बंगाल में लूट
प्रारंभ हो जाता है ना। कंपनियां जो यहाँ के कंपनी पदाधिकारी थे, कर्मचारी थे, वह लूट प्रारंभ कर देते हैं और इसी लूट के चलते बंगाल में एक भयंकर अकाल पड़ता है जिसमें लगभग 1 करोड़ लोग मारे जाते हैं, है ना। बंगाल में लगभग 1 करोड़ मारे जाते हैं और जीव, हालांकि इसी अकाल को लेकर के एक इतिहासकार होते हैं के एम पनिकर। इन्होंने 1765 से लेकर के 1772 के काल को ही इन्होंने डाकुओं का राज कहा था। क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव जब आया था तो 1765 में बंगाल में द्वैध शासन लागू किया था, लेकिन 1772 में वॉरेन हेस्टिंग ने बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किया। तब तक काफ़ी मात्रा में यहाँ पे लूट हो चुके थे, है ना, लूटमार हो चुकी थी। इसीलिए प्रथम चरण में 1757 से लेकर 1813 के काल को आपको लूट काल के नाम से जाना जाता है ना। 1813 जो है यहाँ पे व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। ये 1813 का अधिनियम है जिस भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है, यानी चाय और चीन को छोड़ करके, यानी चीन के साथ व्यापार और चाय को व्यापार को छोड़कर व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया जाता है। और जब व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया जाता है तो भारत में केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं बल्कि आपको ब्रिटेन के अन्य कंपनियां भारत में व्यापार करने आ जाती हैं, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को काफ़ी चोट पहुंचता है ना। उसके बाद आता है आपका दूसरा चरण, है ना। दूसरा चरण जो प्रारंभ होता है, वह 1813 से 1858, है ना, 1813 से 1858, और इस काल को कहा जाता है औद्योगिक पूंजीवाद। औद्योगिक पूंजीवाद समझिएगा, ये द्वितीय चरण का जो नींव पड़ता है वह औद्योगिक विकास यानी ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के आधार पर पड़ता है, है ना। एक समय था जब भारत के उद्योग हस्तकरघा, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, हस्तकरघा काफ़ी विकसित अवस्था में थे और भारतीय कारीगरों द्वारा जो बनाए गए कपड़े थे वह विदेशों में भेजे जाते थे जिसे भारत को काफ़ी उसे मुनाफा होता था। लेकिन जब दूसरा चरण प्रारंभ होता है 1813 से 1857 में, तो याद रखिएगा प्रथम चरण से कहीं ज़्यादा भयानक आपका द्वितीय चरण होता है। और द्वितीय चरण में पहला तो मैं पहले ही बताया था कि 1813 में भारत में कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया, केवल चाय एवं चीनी को छोड़कर। लेकिन जब 1833 आता है तो आपको चाय और चीनी को भी एकाधिकार समाप्त कर दिया जाता है, यानी भारत में मुक्त व्यापार की नीति अपनाई जाती है। और भारत में मुक्त व्यापार की नीति अपनाए जाने का मुख्य कारण होता है कि भारतीय जो उद्योग होते हैं, हस्तकरघे होते हैं, कुटीर उद्योग होते हैं, लघु उद्योग होता है, वह विनाश हो जाते हैं। विनाश का मुख्य कारण ये होता है कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति प्रारंभ होती है ना। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति प्रारंभ होती है, औद्योगिक क्रांति, है ना। और औद्योगिक क्रांति के प्रारंभ होने के बाद जो मशीन से बने बनाए जो वस्त्र या कोई भी वस्तु होते थे, स्वाभाविक है वो हाथों से बनाए हुए वस्तुओं से सस्ते होते थे, है ना। यहाँ के व्यापारियों ने, अंग्रेज़ों ने क्या किया कि भारत में भारतीय वस्त्रों का जो आयात शुल्क था वह इंग्लैंड में ज़्यादा कर दिया, ठीक ना, जिसकी वजह से भारतीय सामानों का विदेशों में मांग कम हुई। और जब इंग्लैंड में उद्योगों के माध्यम से इन वस्त्रों का निर्माण हुआ, इन उत्पादों का निर्माण हुआ, तो इसके लिए बहुत बड़े मार्केट की जरूरत थी, है ना। तो उस मार्केट को लेकर के भारत आ गया, क्योंकि भारत उपनिवेश, ब्रिटिश उपनिवेश के लिए भारत एक सबसे अच्छा मार्केट था। और जब वहीं उद्योग से बने हुए वस्त्र जब भारत में आते हैं, तब वही वस्त्र यहाँ पे आपको जो
कारीगरों द्वारा बनाए गए हाथों से बनाए गए जो वस्त्र होते हैं उनसे सस्ते दाम में मिलते हैं। इस वजह से इनके जो आपके उद्योग होते हैं यह विनाश हो जाते हैं, विनष्ट हो जाते हैं और भारत में एक कच्चा माल के रूप में यहाँ से कच्चे माल के रूप में लेकर जाया जाता है इंग्लैंड में और वहाँ पे उत्पादन किया जाता है, ठीक ना। तो यही कारण होता है कि द्वितीय चरण में औद्योगिक पूंजीवाद का विकास होता है। साथ ही जिस तरह ब्रिटिश शासन ने भारत में हस्तक्षेप किया और यहाँ के राजनीतिक मामलों में, सामाजिक मामलों में, धार्मिक मामलों में, आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप किया, उसी हस्तक्षेप का कारण था कि भारतीयों में एक असंतोष की भावना जगी और उसी असंतोष के भावना का परिणाम था अठारह सौ सत्तावन की क्रांति, है ना। और यही क्रांति उसके आर्थिक असंतोष, एक तरह से देखा जाए तो आर्थिक असंतोष का भी कारण बना, है ना, जिसमें काफ़ी मात्रा में किसान, उसके बाद कारीगर, ये सभी शामिल हुए थे, है ना। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप और लूट के कारण ही यह आपको प्रारंभ हुआ था, था ना। तो ये था हमारा दूसरा चरण। अब हम बात करते हैं तीसरे चरण की। ब्रिटिश उपनिवेशवाद का जो तीसरा चरण है, वह आपको 1858 से लेकर के 1947 तक, है ना। ये आपको निवेश है, ये आपका निवेश है, ठीक। अब समझिएगा, 1857 का जब क्रांति होता है, है ना, तो क्रांति के बाद भारत में जो कंपनी का शासन होता है, इस कंपनी को, शासन को ले लेती है सरकार, ब्रिटिश सरकार, अपने हाथों में लेती है और हाथों में लेने के बाद भारत के शासन को वह निर्देशित करती है। वह भारत में जो भारतीयों के असंतोष उपजे हुए थे उस असंतोष को दूर करने के लिए यह भारत में पूंजी निवेश प्रारंभ करती है। लेकिन यहाँ भी भारत में ब्रिटिश उपनिवेश का लूट का यह तीसरा मापदंड था, यह तीसरा उनका प्रोपगंडा था, स्वार्थ था कि यहाँ पूंजी निवेश करती है। जो पूंजी निवेश करती है वो आपको रेलवे के निर्माण में करती है, चाय बागान में, कॉफ़ी बागान में, नील बागान में। अब देखिए यहाँ पे किस तरह भारतीयों को धोखा देते हैं। जब ये इनका उद्देश्य होता है कि ये भारतीयों को बताना चाहते हैं कि जिस तरह कंपनी ने भारत में लूट मार मचाई थी, जिस तरह भारतीय अर्थव्यवस्था को तहस नहस किया था, हमारा उद्देश्य है कि हम भारत में विदेशी पूंजी निवेश करें और निवेश करके हम भारतीय आधार, भारत के आधारभूत संरचनाओं का विकास करें। हालांकि रेलवे का निर्माण जो हुआ था सबसे पहले वह लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था, भारत में सर्वप्रथम वह लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था 1853 में, ठीक ना, मुंबई से ठाणे के बीच में। उसके बाद चाय, लेकिन सबसे अधिक जो रेलवे का विकास हुआ वो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। तो यहाँ यह दिखाने का प्रयास किया कि हम भारत के आधारभूत संरचनाओं का विकास करेंगे, इसलिए कि भारत को विकास के मार्ग पर लाया जाए। लेकिन यहाँ पे अंग्रेज़ों का जो मुख्य उद्देश्य था वह यह था कि 1857 की क्रांति जब हुई थी तो इसमें देखे होंगे कि तेज़ी से सेनाओं को पहुंचाया गया, जहाँ जहाँ विद्रोह होते तो वहाँ वहाँ सेनाओं को पहुंचाया गया। इस उद्देश्य से किया गया कि हमारा जो सेना है अगर कहीं विद्रोह होता है तो तुरंत सेनाओं को पहुंचाया जाए। साथ ही भारत में जो गांव से जो कच्चे माल इकट्ठा किए जाते थे, खेतों से जो कच्चे माल इकट्ठा किए जाते थे, वह आपको बंदरगाहों के माध्यम से ब्रिटेन भेजा जाए, इसीलिए बंदरगाहों को जोड़ने के लिए रेलवे का इन्होंने विकास किया था, न कि भारत के विकास के लिए इन्होंने रेलवे का विकास किया था। साथ ही इन्होंने इसमें जो विदेशी पूंजी निवेश थी उनको ये अधिकार दिया गया था कि आप रेलवे में निवेश कीजिए, नफा हो या नुकसान हो आपको 5% का ग्रेजुएटी दी जाएगी, है ना। इसके बाद चाय और कॉफ़ी और नील बागान में निवेश किया गया।
अगर वास्तव में इनकी मंशा साफ होती तो भारत के उद्योगों का विकास करते, यहाँ पे लघु उद्योगों का विकास करते, कुटीर उद्योगों का विकास करते, यहाँ पे जो बेकार पड़े हुए हस्तकारगा थे या ये कारीगर थे उनका विकास करते। लेकिन इनका मुख्य उद्देश्य था कि भारत को एक कृषि प्रधान देश बनाया जाए, भारत को एक कृषि प्रधान देश बनाया जाए, ताकि इन कृषि से माध्यम से हमारे उद्योगों के लिए कच्चा माल की आसानी से प्राप्ति हो जाए, है ना, कच्चा माल की आसानी से प्राप्ति हो जाए। इसीलिए इन्होंने बगानों या कृषियों में निवेश किया, न कि यहाँ के उद्योगों में निवेश किया, है ना। तो ये हमारे तीसरा चरण था जिसके वजह से इन्होंने लूटमार प्रारंभ की, है ना। इसके अलावा भारत में ब्रिटिश उपनिवेश के तीसरे चरण के माध्यम से, यानी प्रथम, दूसरे और तृतीय चरण के माध्यम से भारत को लूटने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रत्येक चरणों में अपने अलग अलग हथगंडों के माध्यम से इन्होंने भारत को लूटा, है ना। इसके अलावा, इन चरणों के अलावा इन्होंने भारत में जो कृषि में इन्होंने निवेश किया, इस कृषि में भी इन्होंने लगान व्यवस्थाओं के माध्यम से इन्होंने भारत को लूटने का प्रयास किया और भारत को कंगाल करने का प्रयास किया। ब्रिटिश भारत और जो भारत में जो भूराजस्व नीतियाँ लागू की गई समय समय पे, वह तीन भूराजस्व नीतियाँ थी, और ये तीनों भूराजस्व नीतियाँ भारत के जो निचले स्तर के जो ग्रामीण विकास का एक मापदंड थे किसान, उनको तहस नहस कर दिया, है ना। तो अंग्रेजों द्वारा जो लागू की गई थी भूराजस्व नीतियाँ भारत में, वह तीन प्रकार की थी, जो समय समय पर वह एक भारत को आर्थिक स्थिति से कमजोर करने की नीति अपनाई थी, है ना। तो यहाँ हम जानने का प्रयास करते हैं कि भारत, ब्रिटिश भारत की भूराजस्व नीतियाँ कैसी थी, है ना। हेडिंग है ब्रिटिश शासन की भूराजस्व नीति, भूराजस्व नीति। समझिएगा, ब्रिटिश शासन की भूराजस्व नीति, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के तीनों चरणों के माध्यम से भारत को लूटने के बाद ये तीसरी एक अलग नीति बनाई थी, खेतों में यानी किसानों में हस्तक्षेप, किसानों में के कामों में हस्तक्षेप, वह था आपको भूराजस्व नीति। सबसे पहले समझते हैं कि भूराजस्व होता क्या है। कृषि के उपज, कृषि से होने वाले उपजों में, कृषि से होने वाले अनाजों के उत्पादन में किसानों से लिया जाने वाला जो लगान होता है, उसी को भूराजस्व कहा जाता है। फिर समझिएगा, कृषि से होने वाले, कृषि से उत्पादित होने वाले, उत्पादित होने वाले अनाजों में, अनाजों में किसानों से लिया जाने वाला, लिया जाने वाला हिस्सा ही भूराजस्व कहलाता है, है ना। फिर समझिएगा, कृषि से उत्पादित होने वाले अनाजों में किसानों से लिया जाने वाला जो हिस्सा होता था, उसी को भूराजस्व कहा जाता था। और ब्रिटिश शासन, अंग्रेजों ने समय समय पर भूराजस्व नीतियाँ क्यों लागू की, जो तीन नीति थी, है ना। भूराजस्व नीति जो थी वह तीन प्रकार की नीति थी, वह तीनों कौन कौन सी नीति थी यह हम देख लेते हैं। एक नंबर में है अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त। दूसरा था रैयतवाड़ी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त। और तीसरा था महालवाड़ी, महालवाड़ी बंदोबस्त, है ना। तो ब्रिटिश शासन द्वारा अपनाई गई, लागू की गई तीन भूराजस्व नीति थी, अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महालवाड़ी बंदोबस्त। अब आते हैं
एक एक को समझने का प्रयास करते हैं कि अस्थाई बंदोबस्त क्या था, रैयतवाड़ी बंदोबस्त क्या था और महलवाड़ी बंदोबस्त क्या था। चलिए एक नंबर समझते हैं अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट, याद रखिएगा इसे, अस्थाई बंदोबस्त को आपको जमींदारी प्रथा, जमींदारी प्रथा, इस्तमरारी प्रथा, इस्तमरारी प्रथा एवं सूर्यास्त कानून, सूर्यास्त कानून के नाम से भी जाना जाता है। अस्थाई बंदोबस्त को जमींदारी प्रथा, इस्तमरारी प्रथा और सूर्यास्त कानून के नाम से भी जाना जाता है। सूर्यास्त कानून इसलिए इसे कहा जाता है कि जिस जमींदार को यह जिम्मेदारी दी जाती थी कि वह किसानों से लगान वसूल करे, तो वह एक निर्धारित तिथि के सूर्यास्त से पहले उसे जमा करनी पड़ती थी, इसलिए सूर्यास्त कानून कहा जाता था। अगर वह जमींदार समय से पहले और सूर्यास्त से पहले, निर्धारित तिथि के और सूर्यास्त से पहले अगर जमा नहीं करता था, तो उसके जमींदार व्यवस्था को समाप्त कर दी जाती थी, यानी उसको अस्थाई व्यवस्था से हटा दी जाती थी। अब देखिए इसका लागूकर्ता कौन है, अस्थाई बंदोबस्त को लागू करता, अस्थाई बंदोबस्त का लागू करता है ना, इसका लागू करता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस है ना, इन्होंने लागू कब किया था, लागू किया था इन्होंने 1793 में। क्षेत्र क्या थे, क्षेत्र था आपका बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा, उड़ीसा है ना, और मालिक, इसमें जमीन का जो मालिक बनाया गया था, जमीन का मालिक, जमीन का मालिक इसमें जमींदार को बनाया गया था है ना, जमींदार को बनाया गया था। और याद रखिएगा इसमें टैक्स जो कर था, ये समझ लीजिएगा, इसको लागू, स्थाई बंदोबस्त को लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, कब लागू किया था 1793 में, कहाँ कहाँ लागू हुआ था, बंगाल बिहार एवं उड़ीसा में लागू हुआ था, और ज़मीन का मालिक किसे बनाया गया था, जमींदार को बनाया गया था। और जो कर था उन करों में आपको 10/11 भाग है ना, 10/11 भाग आपको कंपनी को देना पड़ता था, कंपनी को देना पड़ता था, साथ ही 1/11 भाग जमींदार अपने पास रखता था, जमींदार अपने पास रखता था। फिर समझिएगा, जमींदारी अस्थाई बंदोबस्त के तहत जमींदार जब टैक्स वसूलता था, इनसे जब लगान वसूलता था, तो उस लगान का 10/11 भाग कंपनी को प्रदान करता था और 1/11 भाग अपने पास रखता था है ना। और ये संपूर्ण भूमि का, संपूर्ण भूमि का 19% पर लगान वसूल किया जाता था है ना, जो अस्थाई बंदोबस्त थी वह संपूर्ण भूमि का 19% पर लागू किया गया था। फिर समझिएगा, अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त को जमींदारी प्रथा, इस्तमरारी प्रथा और सूर्यास्त कानून के नाम से जाना जाता है। अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया था किसने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, कब लागू किया था 1793 में, कहाँ कहाँ लागू किया था, बंगाल बिहार एवं उड़ीसा में लागू किया था। और अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था के तहत जमीन का मालिक किसे बनाया गया था, तो जमींदार को बनाया गया था है ना। और जमींदार जो अस्थाई व्यवस्था से जो लगान वसूल करता था, उसका 10/11 भाग कंपनी को प्रदान करता था और 1/11 भाग अपने पास रखता था ठीक ना। और भारत के संपूर्ण भूमि का 19% भाग पर अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया गया था है ना। याद रखिएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस को भूमि का मालिक जमींदार को बनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य ये भी था कि भारत में एक ऐसे
जमात को हम अपने पक्ष में करें, जो जब चाहें तब उसे अपने अनुसार उसका उपयोग कर सकें। इसलिए ज़मींदारों को अस्थाई व्यवस्था का मालिक बनाया, अस्थाई बंदोबस्त का मालिक बनाया था कि एक ऐसा हमें स्वामी भक्त मिल जाए जो जैसा हम चाहें वैसा वह करें, है ना। दूसरा नंबर आता है आपका रैयतबाड़ी व्यवस्था, रैयतबाड़ी व्यवस्था या बंदोबस्त, बंदोबस्त समझिएगा। इसको लागू किया था, लागू किया था कर्नल रीड, इसको लागू किया था कर्नल रीड एवं मुनरो ने, है ना, दो लोगों ने लागू किया था। रैयतबाड़ी व्यवस्था को लागू किया था कर्नल रीड एवं मुनरो ने। अब देखिए, कर्नल रीड ने लागू किया था इसे 1792 में और मुनरो ने इसे लागू किया था 1820 में, है ना। मुनरो ने इसे लागू किया था 1820 में। क्षेत्र, अगर हम क्षेत्र की बात करें तो मद्रास असम और बम्बई, मद्रास असम एवं बम्बई, है ना, इन क्षेत्रों में रैयतबाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था। और ज़मीन का जो मालिक बनाया गया था, ज़मीन का जो मालिक बनाया गया था वह किसानों को बनाया गया था, है ना, किसानों को बनाया गया था। याद रखिएगा, रैयतबाड़ी व्यवस्था में डायरेक्ट किसान टैक्स दिया करते थे, लगान दिया करते थे, इसमें मध्यस्थता किसी को नहीं रखा गया था, है ना। और इसमें जो लगान था वह कंपनी को 1/2 भाग दिया जाता था, यानी किसानों द्वारा जो लगान दिया जाता था वह 1/2 भाग दिया जाता था। और यह आपको संपूर्ण भूमि का, संपूर्ण भूमि का 51% पर लागू था, 51% पर लागू था। फिर समझिएगा, रैयतबाड़ी व्यवस्था लागू करने वाला था कर्नल रीड 1792, मुनरो 1820, क्षेत्र यानी कहाँ कहाँ लागू हुआ था, मद्रास असम एवं बम्बई, ज़मीन का मालिक किसे बनाया गया था रैयतबाड़ी व्यवस्था में, तो किसानों को बनाया गया था। और इसमें जो लगान कंपनी को दिया जाता था वह 1/2 भाग दिया जाता था। और संपूर्ण भूमि का 51% भाग पर रैयतबाड़ी व्यवस्था लागू की थी, है ना। संपूर्ण भूमि का 51% भाग पर यह आपको लागू किया गया था, ठीक। अब हम तीसरा नंबर बात करते हैं महलवाड़ी व्यवस्था की। तीसरा नंबर है महलवाड़ी बंदोबस्त, इसको लागू किया था, लागू करता है आपको हाल्ट मैकेंजी एवं मार्टिन बर्ड। लागू हुआ था 1819 में लागू हुआ था। क्षेत्र क्या था, क्षेत्र में मध्य प्रांत आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और आपको पंजाब था, है ना, पंजाब, ये तीन क्षेत्रों में लागू किया गया था। और इसमें ज़मीन का जो मालिक बनाया गया था, वो आपको गांव को बनाया गया था, यानी महल को बनाया गया था, है ना, महल को बनाया गया था। इसमें जो लगान दिया जाता था वह आपको कंपनी को 1/2 भाग दिया जाता था, है ना।
और यह संपूर्ण भूमि का यह जो व्यवस्था थी यह संपूर्ण भूमि की 30% भाग पर थी, 30% भाग पर लागू थी, है ना। फिर समझिएगा, महलवाड़ी व्यवस्था लागू करने वाला हाल्ट मैकेलजी एवं मार्टिन बर्ड कब लागू किया गया था, 1819 में। क्षेत्र क्या था आपको, संयुक्त मध्य प्रांत, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब में। जमीन का मालिक इसमें गांव यानी समूह को, गांव के समूह को बनाया गया था। और लगान जो दिया जाता था गांव द्वारा वह कंपनी को 1/2 भाग दिया जाता था। और यह संपूर्ण भूमि का 30% भूमि पर, संपूर्ण भूमि का 30% भाग पर यह लागू किया गया था, है ना। तो ये था हमारा पहला ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव का ये पहला पार्ट में था। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे धन का निष्कासन सिद्धांत, बी औद्योगिकरण और कृषि का वाणिज्यिकीकरण कमर्शियल, ठीक ना। तो हम इसमें देखेंगे, तब तक इतना ही रहने देते हैं, इसको आप पढ़िए। नेक्स्ट हम वीडियो लेकर के फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।